नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंडअप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमागहमी वाला रहा। संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष सहित ये दो शब्द हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग न करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन रिव्यू पर फैसला सुरक्षित रखा है। ज्ञानव्यापी परिषद में बचे सभी तहखानों के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई है। इस सप्ताह यानी 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की खबरों के बारे में बताएंगे। संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष सहित ये दो शब्द हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 में बदलाव किए गए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि तारीख बदलने की जरूरत नहीं पड़ती तो प्रस्तावना में संशोधन करने में कोई समस्या नहीं है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में इंदिरा सरकार द्वारा पेश संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। इस दौरान जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं कि प्रस्तावना में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन एक एकेडमिक सवाल है कि 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था, तो क्या यह बदलाव 26 नवंबर 1949 के तारीख को बरकरार रखते हुए बदलाव किया जा सकेगा। थप्पड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला, काउंसलिंग क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को उन छात्रों की काउंसलिंग नहीं करने के लिए फटकार लगाई है जिन्हें उनकी स्कूल टीचर ने कथित तौर पर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया था। अदालत ने पाया कि यूपी सरकार ने उसके निर्देशों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा, हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की लेटेस्ट रिपोर्ट का अध्ययन किया। इस घटना के गवाह सभी छात्रों की काउंसलिंग की बात कही गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। राज्य को एससी एसटी ने में सब कैटेगरी बना कोटा देने का हक है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस बात का परीक्षण शुरू किया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्ग बनाकर रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है या नहीं। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साल 2004 के फैसले में एससी एसटी के भीतर उपजाति को तरजीह देने को गलत बताया था। पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाकर एससी एसटी कोटे में उपवर्ग बनाने की कोशिश की थी, पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 वाले फैसले के आधार पर उसे खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मंदिर में 7 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 30 साल की कैद। 7 साल की बच्ची से मंदिर में रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल कैद की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश में 2018 की इस घटना में आरोपी शख्स को हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया, जिस फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटना के बाद विक्टिम के मन में डर बैठ गया होगा, जब भी मंदिर जाएगी उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक घटना की याद आएगी। इस घटना के कारण उस बच्ची के भविष्य पर भी असर हो सकता है। पीड़िता की दादी ने 40 साल के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी शिकायत महिला का रिश्तेदार था। आरोप के मुताबिक आरोपी लड़की को अपने साथ मंदिर ले गया और वहां उससे रेप किया। ज्ञानव्यापी के सभी तहखानों के सर्वे की अर्जी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के बंद तहखानों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की याचिका पर प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सुना। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण सभी पक्षकारों की सहमति से सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी तय की। केस की मुख्य वादिनी राकेश सिंह के अधिवक्ता अनुपम त्रिवेदी ने कहा कि एएसआई सर्वे में ज्ञानव्यापी के 8 में से 2 तहखाने बंद मिले हैं। तो आज हमने आपको इस सप्ताह होने वाली कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।